हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू सक्सेस टी माय नेम इज़ जसकरण सिंह ओके तो बिफोर वी स्टार्ट एम आई ऑडिबल आवाज आ रही है सभी को प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दें फिर हम अपना सेशन की शुरुआत करते हैं लेट मी चेक ओके फाइन वॉइस इज़ गुड ओके चलिए ओके तो आज की शुरुआत करते हैं सॉरी oh, मैं बोलूँ कुछ कम लग रही है मैंने फाइल ही नहीं खोली ओके okay. आ, तो जैसे कि आप सभी को पता है हमने आ, जो हम पीछे कवर किया था हमने क्या किया था ज़्यादा हमारा फोकस पीआईबी न्यूज़ पर था तो हमने पीआईबी का आ, स्टार्ट कर सर श्योर जी ओके तो पी, आ, पी को हमने कुछ पोर्शन कवर कर लिया था आ, नमस्ते जी ठीक है तो पीआईबी पर ज़्यादा फोकस होने की वजह से क्या हुआ गया जो हमारी जो रेगुलर न्यूज़ थी वो थोड़ी सी मिस हो चुकी हैं तो हमारा आज का जो फोकस क्या रहेगा जो पीछे जो हमारा चीज़ें छूट गई हैं वो चीज़ें हम सारी की सारी कवर कर लेंगे बैक ट्रैक पर आ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप जो पीआईबी की हमारी न्यूज़ और जो हमारे डेली करंट हो गए वो साइड बाय साइड चलता रहेगा फिर बैकलोग नहीं रहेगा ओके हाय जी हाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए तो आज की शुरुआत करते हैं देखिए आज हमारे पास क्या है नौ मार्च है और दिन की बात करें आज हमारे पास कौन सा डे है थर्सडे है चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है हम अगर वन मार्च की बात करें फर्स्ट ओ मार्च तो फर्स्ट ओ मार्च को कौन सा डे होता है हमारे पास वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे होता है कौन सा डे सेलिब्रेट करते है? कर हैं वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे हम सेलिब्रेट कर दें डोंट यू वरी ओके इट्स जस्ट स्टार्टिंग टाइम ओके ओके

किया जाता है तो एक अवेयरनेस के लिए सभी वर्ल्ड में कि जो भी हमारे पास जो भी एक्टिविटी मेरे मे का मतलब है जो डिजास्टर हो रहे हैं या जो एक्सीडेंट हो रहे हैं जहां पर जो हमारे पास जो गवर्नमेंट सर्विस है या सिविल के डिफेंस में जो लोग जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए जो नॉर्मल सिटीजन को और जो अभी तक ऐसे जो ऐसे आ, आ, हमारे पास क्या बोलेंगे पर्सनल हैं जिनकी डेथ हो चुकी है जो सिविल डिफेंस में थे उनको इवन के इवन ऑनर करने के लिए ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है तो इस दिन की एक थीम भी रही थी थीम हमारे पास क्या है यूनाइटिंग दी वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन फ्यूचर जनरेशन के लिए जो हम ये कर रहे हैं ठीक है सेफ्टी के लिए उनकी सिक्योरिटी के लिए जो हम क्या कर रहे हैं जो तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनके साथ जो उन्होंने हाथ जोड़े हैं या मिलकर काम कर रहे हैं हिस्ट्री की बात करें हिस्ट्री ऐसा आईसीडीओ आईसीडीओ की बात करें तो आईसीडीओ का जो नाम पड़ा था कब पड़ा था ये 1977 में इसका नाम आईसीडीओ पड़ा था लेकिन इससे पहले क्या नाम था इसके पहले इसका नाम था जिनेवा जोन कौन सा जिनेवा जोन कब नाइनटीन 1931 को अब 1931 को जब ये जिनोवा जोन बनी थी तो किसके द्वारा बनी थी तो एक सर्जन जनरल थे जिनका नाम क्या था जॉर्ज सेंट पोल थे कहां पर फेरिस फ्रांस में ये डिसाइड हुआ था कि ये ऑर्गेनाइज बनेगी जिनके द्वारा जो ये मतलब सिविल डिफेंस डे है ये सेलिब्रेट किया जाता था ठीक है ये आप रीड आउट कर लेना अब एक मार्च को कुछ और डे भी सेलिब्रेट किया जाता है कौन कौन से जैसे हमारे पास जीरो ना हो अपॉर्चुनिटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो प्रॉपर जेंडर इक्वलिटी रहे तो उसके लिए ये सारा का सारा सेलिब्रेट किया जाता है इस बार की इस साल की अगर थीम की बात करें तो थीम हमारे पास क्या है सेव लाइफ डिस्क्रिमिनाइज क्या है सेवलाइफ डिस्क्रिमिनाइज इस बार की थीम है

सिविल अकाउंट्स डे कौन सा फोर्टी सेवन एडिशन था या फोर्टी सेवन ईयर हो चुके थे और ये फॉर्म कब हुई थी तो हमारे पास क्या आ जाएगा नाइनटीन सेवन में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी सिविल अकाउंट्स नाइनटीन सेवनटी सिक्स में ये बनी थी विच डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एक मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है सिविल डिफेंस डे भी किया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है सिविल अकाउंट्स डे भी किया जाता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबब ऑप्शन डी नेक्स्ट देखिए हमारे पास वर्ल्ड लाइफ डे 2022 थाउजेंड ऑन थर्ड मार्च अब तीन मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लाइफ सॉरी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात करें तो ये uh, कब मतलब ये बना था कब ये एक्शन में आया था तो यू एन जी ए की बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा दो हजार तेरह में ये डिसाइड किया गया था कि तीन मार्च को हम क्या करेंगे तीन मार्च को हम डब्ल्यू डब्ल्यू डे सेलिब्रेट करेंगे अब डब्ल्यू डब्ल्यू डे की एक थीम भी है थीम की बात करें तो हमारे पास क्या है पार्टनरशिप फॉर वर्ल्ड लाइफ कन्वेंशन तो मेरे पास मेन मतलब वर्ल्ड लाइफ का काम क्या है कन्वेंशन करना कंजर्व करना जितने भी मतलब एनिमल्स है 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 और प्लांट्स उनको कंजर्व करने की की है, सारी की मेन बात सारी सारी ठीक अब अगर बात करें यूएन जी की न, मतलब, तीन मार्च को ये कर दिया था जिनका मेन काम क्या था प्रोटेक्शन करना था ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं एनिमल और प्लांट्स की तो जब हमारे पास वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ डे की बात करें तो इसके साथ एक और एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो साथ हमारे जुड़ जाएगी वो किसकी बात कर रहा हूं साइट्स की अब साइट हमारे पास क्या है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा फोना एंड फ्लोरा के आ जाता है जो हमारे पास एनिमल और प्लांट्स ही होते हैं तो इनके द्वारा अडॉप्ट किया गया था 1973 में जो वो भी कब आता था तीन मार्च को ही आता था वो भी कब आता था तीन मार्च को ही आता था अब इस दिन की बात करें आज के साल के अकॉर्डिंग ठीक है 2023 के अकॉर्डिंग इनका क्या होता है 50th एनिवर्सरी है इस कन्वेंशन की कौन सी है 50th एनिवर्सरी किस कन्वेंशन की बात करें है? हम साइट्स की बात करें फिफ्टियथ एनिवर्सरी है साइट्स के बारे में पूरा दिया हुआ है आप एक बार पढ़ लेना आपके लिए इन्वायरमेंट के लिए काफी हेल्पफुल होगा ठीक है वर्ल्ड लाइफ सॉरी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डेलिब्रेट ओकेजन ऑफ किसकी मतलब कौन सी कन्वेंशन थी तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइट्स साइट्स किसकी बात बात करें हम? की बात करें हम की इंडिया ग्लोबल इनिशिएटिव मीरा टू प्रमोट मिलेट अब मीरा हमारे पास क्या है मीरा की बात करें मीरा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो सकता है देखो इनिशिएटिव का नाम दिया है तो ऐसे ही आपको डे बाय uh, मतलब वन बाय वन चलेंगे चलता रहेगा एम से हमारे पास क्या आ जाएगा मिलट्स

जनरल असेंबली बट यूनाइटेड नेशन को यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया ने यह भी प्रपोज किया था 2023 को हम ईयर ऑफ द मिल्ट क्या करेंगे डेडिकेट करेंगे तब जब इंडिया ने ये प्रपोज किया था तो इंडिया के साथ 72 कंट्रीज ने मतलब वोटिंग की थी कि हाँ हम एग्री कर रहे हैं जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने ये डिसाइड किया था 2023 को हम क्या बोलेंगे ईयर ऑफ द मिलट बोलेंगे 2023 को हम क्या डिक्लेयर करेंगे ईयर ऑफ दी मिलट हम डिक्लेयर करेंगे अब बैक टू तो दी क्वेश्चन मीरा की बात करें तो मीरा की बात करें मीरा एक क्या जो एक मतलब अगर ए डब्ल्यू जी की बात करें जो हमारे पास एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप है उनके द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका मेन काम क्या है प्रमोट करना ठीक है किसको मिलट्स को प्रमोट करना और ये सारी की सारी प्रमोशन हो रही है किसके अंडर हो रही है जी ट्वेंटी के रिप्रेजेंटेटिव के अंडर ही हो रही है जो सबसे पहली एक एग्रीकल्चर की हुई थी फर्स्ट एग्रीकल्चर रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग हुई थी जी ट्वेंटी के अंडर कहाँ पर हुई थी इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी कहाँ पर इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी फुल नेम आपको बता दिया एम आपको बता दिया रिसर्च करनी है मिलट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड और वर्ल्ड uh, में जितने मिलट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है या रिसर्च प्रोग्राम

अकॉर्डिंग टू आई एफ एंड एम्बर रिपोर्ट अब आई एफ ए की बात करें आईई एफ ए क्या है अगर आपको यह चीज पता होगी थोड़ी आपको हिंट मिल सकती है कि ये मतलब न्यूज में है क्या अब आई एफ ए की बात करें तो इंस्टीट्यूट है किसके लिए इंस्टीट्यूट फॉर इनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनलिस तो हमें किसकी बात करें एक चीज तो पता है कि एनर्जी के रिलेटेड बात हो रही है जो हमें यहां से और यहां से मतलब डायग्राम से पिक्चर से हमें पता चल रहा है ठीक है अब पूरी की पूरी जो ये रिपोर्ट आई है इन दोनों के रिपोर्ट उस रिपोर्ट में क्या दिया है इंडिया के कुछ राज्यों की बात किया कौन से राज्यों की बात किया वो राज्यों की बात किया जिन्होंने अपनी एनर्जी की ट्रांजिशन कर ली है किसमें ग्रीन एनर्जी में तो वो मतलब कुछ रैंकिंग दी गई है क्या दी गई है रैंकिंग दी गई है अब रैंकिंग की बात करें कि तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा नायका आया हमारे पास तो पहले नंबर पर है सबसे पहले कर्नाटका कर्नाटका वो स्टेट है वो राज्य है जिन्होंने क्या किया है जिन्होंने एनर्जी की ट्रांजिशन कर दी है मतलब कर रहे हैं मतलब ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है सबसे ज्यादा करने वाली कौन सी स्टेट है कर्नाटका है लेकिन जो थोड़ी सी मतलब कमी सी कमी की वजह से रह गई वो कौन सी स्टेट है दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या गा गुजरात दूसरे नंबर पर कौन से आगे? पास आ जाएगा हमारे पास गुजरात अब गुजरात की भी एक वजह थी क्या थी बायोकार्बोनाइजेशन थी जिसकी वजह से गुजरात थोड़ा पीछे रह गया ऐसे ही थर्ड नंबर पर बात करें थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या आ जाएगा हरियाणा फोर्थ नंबर पर हमारे पास बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा पंजाब उसके बाद फर्दर आगे चले तो हमारे पास तमिलनाडु भी आ जाती है वेस्ट बंगाल भी आ जाती है तो ये सारी के सारी न्यूज का जो वेरवा था वो आपको ऑलरेडी बता दिया दैट दो स्टेट विच है ऑलरेडी ट्रांजिशन एनर्जी टू ग्रीन एनर्जी ओके जो ग्रीन एनर्जी में जा रहे हैं ओके okay, तो गुजरात से सबसे पहले हमारे पास कौन सी आ कर्नाटका अब ये जो रिपोर्ट दी थी किसके द्वारा दी गई थी एंड एम्बर के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल जो आई एंड एम्बर के द्वारा दी गई थी अब ये रिपोर्ट का नाम क्या था जो हमारे पास आई है तो उसका नाम की बात करें तो हमारे पास क्या है इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन है ये रिपोर्ट का नाम जो हमारे पास आई है

इस पर फोकस रहता है एम्बर का एम्बर की बात करें इंडिपेंडेंट एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है एक ओके तो ये सारे पहले आपको बता चुका हूं अब देखो चार चार अलग अलग डायमेंशन में ये सारा का सारा डाटा दिया गया जिसमें चेक किया गया है, तो चार अलग अलग, अलग डायमेंशन में अगर देखा जाए तो कर्नाटका ऐसी राज्य आता है जिसने सारी डिमेंशन में डिमेंशन में सबसे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया जिसकी वजह से सबसे पहले कौन आ रही है कर्नाटका कन, आ रही है ठीक है आ, अगर, तो ये कुछ वो राज्य हैं जिन्होंने मतलब अपने राज्यों में ठीक है स्मार्ट मीटर है जो ऑलरेडी लगा चुके हैं ठीक है हंड्रेड परसेंट तक वो कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है सोलह राज्यों में से ये मतलब एनालाइज किया गया है ठीक है आपको ये बता दिया आ, हाँ देखो क्या गुजरात के पीछे रहने की वजह क्या थी डीकार्बोनाइजिंग थी ठीक है हरियाणा और पंजाब ऑलरेडी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं राजस्थान और तमिलनाडु की बात करें उन्होंने भी मतलब काम शुरू कर दिया है अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं वेस्ट बंगाल का सबसे कम मतलब आ, स्कोर किया है पैरामीटर्स में ठीक है तो जो सबसे ज़्यादा मतलब किसी राज्य को दिक्कत आ रही है काम इलेक्ट्रिक आ जाएंगे. या के जो वेस्ट है, मतलब बैटरी से सबसे ज्यादा काम उस पर करने की जरूरत है अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे चार पैरामीटर है क्योंकि फोर्टमेंशन की बात की थी हमने ठीक है जिनके अकॉर्डिंग हम मार्क्स वो देते हैं नंबर मिला तो हमारे पास क्या बोले रैंक मिला नंबर नहीं रैंक मिला परफॉर्मिंग ऑफ दी पावर सिस्टम पावर इकोसिस्टमीज एंड पोलिटिकल कमिटमेंट मतलब इतना याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए इतना जरूरी नहीं है लेकिन हाँ इसमें कुछ चीजें आप मेन्स में जब आप राइटिंग कर रहे हो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से तब आप ऐसी चीजें यूज कर सकते हो बेस्ट परफॉर्मिंग बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य कौन से था हमारे पास कर्नाटका पहले पे रहा है दूसरे पे हमारे पास क्या राजस्थान गुजरात तीसरे पे है हरियाणा चौथे पे पंजाब पांचवे पे तमिलनाडु ओके एथ एडिशन ऑफ रेसिना डायलॉग किसकी बात करें रेसिना डायलॉग की बात करें जो एथ एडिशन हुआ है अब इस एट एडिशन की बात करें रेसिना डायलॉग की ये कहां पर हुआ था सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये न्यू दिल्ली में हुआ था कहां पर हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ था न्यू दिल्ली में जो हुआ था जो इनोग्रेट किसके द्वारा किया करवाया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था लेकिन यहाँ पर एक चीफ गेस्ट भी थे कौन चीफ गेस्ट थे हमारे थे हमारे पास चीफ गेस्ट कौन है किसी को आइडिया है नहीं चलो इसकी बात करें तो ये इटली के क्या है पीएम है इटली के क्या है प्राइम मिनिस्टर हैं इनके नाम की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जियोर्जियो मिलोनी इनका नाम क्या है जियोर्जियो मिलोनी इनका नाम है जो इटली के क्या है पी है जो यहाँ पर चीफ गेस्ट रहे थे तो इस अगर हम डायलॉग की बात करें किसके रेसिना डायलॉग की बात करें तो इसकी एक थीम भी रही थी थीम की बात करें क्या है प्रोकेशन अनसर्टनी टर्बुलेंस लाइटनिंग हाउस इन दी टेम तो ये इसकी क्या है थीम है जिस थीम को हंड्रेड कंट्रीज के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया कहने का मतलब हंड्रेड से ज्यादा कंट्री के द्वारा इस 2023 की जो ये डायलॉग होता था रेसिना डायलॉग उसमें पार्टिसिपेट किया गया था अब रेसिना डायलॉग का ये भी इसके अलग अलग पिलर है जिस पर यह काम करती है ठीक है तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा न्यो इंसर्जेंसी जिसका मतलब क्या है जियोग्राफी डोमेन और एम्बिशन पर रिलेटेड करता है अनएथिकल मोसेक जिसमें कंपटीशन कॉर्पोर और कैनल आ, जाते हैं क्योटिक कोर्स जिसके सिक्योरिटी एंड सोसाइटी आ जाता है परस पासपोर्ट क्लाइमेट कॉमन एंड सिटीजन के बारे में ठीक है दी ग्रे आइनासोर जिसमें डेमोक्रेसी डिपेंड सॉरी डिपेंडेंसी एंड डेथ ट्रैप आ जाते हैं ये ये कुछ ऐसे हैं जिन पर ये काम करता है। डायलॉग की बात करें तो रेसीना कब स्टार्ट हुआ था तो 2016 मतलब तो तो में, में हुआ था ये सारी की सारी जो कॉन्फ्रेंस होती है डायलॉग होता है इसका मेन काम हो, क्या होता है पोलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिकल जो भी इश्यूज हैं उन पर यह डिस्कस करते हैं ठीक है क्या करते हैं ये डिस्कस करते हैं और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ये पॉइंट हमारे लिए इंपोर्टेंट आ जाएगा तो इंडिया की बात करें मिनिस्टर ऑफ ऑफ मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ठीक है क्योंकि ये वेंचर है क्योंकि बाहर के चीफ गेस्ट भी आते हैं यहां पर हंड्रेड से ज्यादा कंट्री जब पार्टिसिपेट करती है तो एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन भी है जिन दोनों के द्वारा ये मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है पिछले साल की बात करें न्यू दिल्ली में हुआ था जो क्या था सेवंथ एडिशन था वट विद वट थीम थीम क्या है जो एट था तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रोवोकेशन अनसर्टनिटी टर्बुलेंस लाइटनिंग इन टेम्पेस्ट इज द थीम इस बार की ओके चलिए पेप्सिको रॉफ रणवीर सिंह एज दी ब्रांड एम्बेसिडर तो इस न्यूज में कुछ भी नहीं है सिर्फ एक अपॉइंटमेंट है तो ये मतलब कभी कभी आ जाते हैं स्टैटिक क्वेश्चन ऐसे तो इसके लिए ये भी कवर किया तो और कुछ नहीं देखेंगे सिर्फ और सिर्फ रणवीर सिंह को मतलब पेप्सिको का क्या बना दिया वो ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त कर दिया गया पेप्सिको इंडिया रणवीर सिंह ठीक है तो इसमें मैंने कुछ नहीं बताना आपको बस यहाँ पर आ जाएगा रणवीर सिंह के उनको क्या जो अनाउंस किया गया है पेप्सिको का ब्रांड एम्बेस्डर ओके बिल्कुल जी बिल्कुल चलिए India the first DNA for बोलेंगे, बोलेंगे। मतलब okay. इंडिया डेवेलप दी फर्स्ट डीएनए वैक्सीन फॉर डेंगू अब डेंगू बोलेंगे हम डेंगू के डेंगू से देखा जाए तो सबसे पहली वैक्सीन जो इंडिया के द्वारा बनाएगी लेकिन लेकिन यह वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के द्वारा नहीं बनाएगी ये एक कलेबोरेशन हुई थी जिसमें नौ अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने मिलकर इंडिया के साथ यह बनाई थी अगर इंडिया की बात करें इंडिया का ऐसा कौन सी इंस्टीट्यूशन थी जिसने यह कलेबोरेशन की थी बाकी नौ इंस्टीट्यूशन के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस इनके द्वारा कलेबोरेशन किया गया था जो नौ अदर अफ्रीक एंड अमेरिकन इंस्टीट्यूशन थी अमेरिकन एंड अफेरिकन इंस्टीट्यूशन उनके था उनके साथ क्या किया था कोलेबोरेशन किया था और इनके कोलेबोरेशन मिलकर इन्होंने क्या डिवेल्प किया है इंडिया फर्स्ट एंड ओनली डी एन ए वैक्सीन जो क्या करेगी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डेंगी फीवर ओके जो इन्होंने डिवेल्प की है अब इन्होंने ये मतलब रिलीज करने से पहले इन्होंने क्या किया टेस्ट भी की थी एक चूहे पर टेस्ट की थी जिसने उन्होंने ये देखा था कि जब उसको ये वायरस है डेंगू का वायरस तो उसके इम्यून सिस्टम ने अच्छा रिस्पॉन्स किया और उसकी सर्वाइवल सरवाइवल रेट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और पूरे के पूरे जो डिजीज था उसको मतलब खत्म कर दिया ठीक है अब ये तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं लेकिन क्या डेंगी वैक्सीन ऑलरेडी वर्ल्ड में है यस यूएसए ने ऑलरेडी 2019 में यू आ, मतलब जो डेंगी वैक्सीन थी उसको अप्रूव कर दिया गया था लेकिन जो यूएसए के द्वारा अप्रूव की थी उसका वैक्सीन का नाम क्या था सी वाई टी सॉरी सी वाई डी टी डी वी और क्या बोलते हैं उसको डेंगी वैक्सीका सॉरी डेंग वैक्सीका उसका नाम था जो यूएस के द्वारा किसने यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अप्रूव की गई थी कब 2019 में कब 2019 में ये अप्रूव कर दी गई थी अब ये डीएनए वैक्सीन होती क्या अब ये डीएनए वैक्सीन होती क्या अब डीएनए वैक्सीन की बात करें तो एक सेगमेंट में जो डीएनए वैक्सीन होता है ना उसका छोटा जा, मतलब जाता, सीधा सीधा मतलब जाता, जाता है जो एंटीजन बाद में क्या करता है, है ना तो उस पर जाके काम करता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है फिर जाके इम्यून सिस्टम ऐसे पाइथजन जो वायरस है ठीक है जहां बैक्टीरिया है उसके साथ जाके लड़ है तो यह काम होता है किसका सीधा थर्ड जनरेशन बात करें थर्ड जनरेशन कोविड ऑफ दर्ल्डली डेवलपिंग इंडिया जो इंडिया के द्वारा बनाई गई थी डीएनए बेस्ड कोविड नाइनटीन कोविड नाइनटीन की बात हमें करने की जरूरत नहीं अब डेंगू की बात करें या डेंगू की बात करें बिल्कुल जी बिल्कुल चेतन बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस सेक्शन के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सारा का सारा कवर हो जाएगा तो वैसे ही हमने पीछे जो एक क्वेश्चन किया मतलब जो डे किया था वो इन्वायरमेंट में कवर हो जाएगा आगे एक आएगा जो जियोग्राफिकल जिग्र, जिग्र, और हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आगे भी एक न्यूज है ठीक है जो करंट में चल रही है जो स्टेटिंग है वो तो हम साथ में कोशिश करें कर, लें ठीक है अब मोस्किटो कैसे होता है एक फीमेल मोस्किटो है जिसकी वजह से होता है जो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है एदस ओन जहां फिर उसको एदस एज्ञापि बोल देते हैं जिस फैमिली से वो बिलोंग करती है फीमेल जिसकी वजह से ये होता है ठीक है अब फोर अलग अलग मतलब डेंगू होते हैं जिसमें अगर बात करें डेन वन डेन टू डेन थ्री एंड डेन फोर मतलब ये अलग अलग डेंगू के लेवल होते हैं इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है फर्स्ट वैक्सीन डीएनए वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कौन सी किसके लिए बनाई गई थी डेंगू के लिए बनाई गई थी इंडिया के द्वारा This Supreme court कोर्ट गेव हिस्टोरिकल डिसीजन टू अपॉइंट chief इलेक्शन एंड अदर इलेक्शन commissioner बाय a कमेटी अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया है कि जो भी आगे अपॉइंटमेंट होगी वो एक कमेटी के द्वारा होगी ठीक है सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट में ये बोली कि जितनी भी अपॉइंटमेंट है किसकी चीफ इलेक्शन कमीश्नर की या कमीशनर्स की जितनी भी इनकी क्या है अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाएंगी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएंगी ऑन एडवाइस ऑफ कमेटी किसकी एडवाइस पर कमेटी की एडवाइस पर अब ये कमेटी में कौन कौन से पर्सन होंगे अब इस कमेटी की बात करें इस कमेटी में क्या हो? कौन होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे इस कमेटी में कौन होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो भी ऑपोजिशन है न, उसके लीडर होंगे किसकी बात करें हम लोकसभा की बात करें और साथ में साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन ये कमेटी होगी जिसके द्वारा मतलब दिया जाएगा एक एडवाइस दी जाएगी कि उसको प्रेसिडेंट को जो फर्दर जाके क्या करेंगे अपॉइंट करेंगे कहने का मतलब इस कमेटी के बिना अब अपॉइंटमेंट नहीं होगी अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने ये बहुत इंटरेस्टिंग बनाया इफ देयर इज नो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन मान लो वहां अपोजिशन का कोई लीडर नहीं है लोकसभा में फिर फिर क्या होगा लीडर ऑफ द लार्जेस्ट दिशा पार्टी जो वहां पर लार्जेस्ट लार्जेस्टिशन पार्टी होगी लोकसभा में उसके लीडर को चूज किया जाएगा उसके लीडर को मतलब कमेटी में अपॉइंट किया जाएगा ठीक है जी अब अब जो ये डिसीजन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो एक पांच मतलब जज की एक कमेटी बैठी थी बेंच बैठा था जिसके द्वारा लिया, लिया गया था जो किसके द्वारा हेड किया गया था तो हमारे पास जस्टिस के एम जोसेफ आ जाएंगे जिनके द्वारा इस बेंच को हेड किया गया था तो ये क्या है इंडिपेंडेंट सेक्रट है जो क्या करती है लॉ मेकिंग पावर है जिसके पास इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के काम की बात करें जो मनी के रिलेटेड आ जाएगी ठीक है पूलिंग डाटा के रिलेटेड आ जाएगी तो ये सारे उसके काम के रिलेटेड आ गया अब कुछ कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है ठीक है ये मैं आपको बताऊंगा नहीं लेकिन स्टिल मैंने आप पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा कि आप कॉन्ट्रोवर्सी पढ़ लो के चल क्या रही थी हो क्या रहता है इतनी डिटेल में हम बात नहीं करेंगे ठीक है लेकिन आपके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन एंड अदर इलेक्शन कमीशन बाय द कमेटी हु विल बी इंक्लूडेड इन दमेटी कमेटी कमेटी में कौन कौन होंगे पीएम होंगे बिल्कुल जी बिल्कुल ऑपोजिशन लीडर ऑफ द लोकसभा बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिल्कुल ये तीनों होंगे तो हमारे पास ऑल ऑफ द अबव सारे ही सारे इस कमेटी में होंगे चलिए वू वन थोग इलेक्टेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वियतनाम वियतनाम के क्या आगे नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं वियतनाम के क्या नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं जिनके नाम की बात करें नाम हमारे पास क्या है वू वैन क्या नाम है वू वैन थोंग उनका नाम है ठीक है ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है सिंपल एक अपॉइंटमेंट है ठीक है दो हजार छब्बीस तक ये मतलब इस पोजिशन पर रहेंगे प्रेसिडेंट रहेंगे ठीक है किसको हराया उनको देखने की जरूरत नहीं है हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट मतलब लेकिन उनकी बात करें उन्होंने जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में क्या कर दिया था रिजाइन दे दिया था किसकी बात करें गुगैन जॉन पुक की बात कर रहा हूं जिन्होंने रिजाइन दे दिया था ठीक है अगर वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर क्या है फा मिन चीन उनके क्या है प्राइम मिनिस्टर है ठीक है वियतनाम की बात करें करेंसी की बात करें तो करेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी वियतनाम दो करेंसी आ जाएगी कैपिटल की बात करें कैपिटल हमारे पास क्या आ जाएगी हानोई वहां की क्या है कैपिटल हानोई कैपिटल है वियतनामी दो वहां की क्या है रिसेंटली वो एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री तो हमारे पास क्या आ जाएगा वियतनाम आ जाएगा ओके चलिए यूनिवर्सिटी टू बी सेटअप इन गिफ्ट सिटी फर्स्ट फॉरन यूनिवर्सिटी टू गेट अप्रूवल फ्रॉम आई एफ एस सी ए अब देखो गिफ्ट सिटी कहां है गुजरात में है वहां पर क्या हो रहा है अब एक यूनिवर्सिटी के द्वारा सेटअप किया जा रहा है तो ध्यान से देखना इस न्यूज को क्या कह रहे हैं हमारे पास अगर हम एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें धर्मेंद्र प्रधान की बात करें उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी आपको याद होगा पीछे हमने एक टाइप भी पढ़ा था ना ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक फ्रेमवर्क हुआ था तो उसी फ्रेम के अंडर हम ये बात कर रहे हैं क्या कह रहे हैं दो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है किसकी पहली है डाइकिन एंड दूसरी कौन सी है वोलांगोंग व ये दो यूनिवर्सिटियां जो जल्दी ही गुजरात में जो वो गांधीनगर में गिफ्ट सिटी है ना वहां पर अपनी यूनिवर्सिटी का सेटअप करेंगी जल्दी ये सेटअप करेंगी अगर बात करें इनकी दाइकिंग यूनिवर्सिटी की तो यूनिवर्सिटी क्या है सबसे पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन जाएगी जिसको अप्रूवल भी नहीं है किसके द्वारा आई के द्वारा अप्रूवल मिल चुकी है जो हमारे पास क्या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होती है उनके द्वारा अप्रूवल लेने वाली ये सबसे पहली कंट्री बन चुकी है फोरन की ठीक है अब जैसे अगर हम बजट की बात करें 2022-23 का मतलब पिछले साल का बजट की बात करें तो वहां पर निर्मला सीतारमन के द्वारा यह भी अनाउंस किया गया था कि कुछ ऐसी वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं जो इंडिया इंडिया में में आके मतलब मतलब क्या करेंगी अपना अप करेंगी अपना सेटअप मोस्टली उनका पॉइंट कहा था गिफ्ट सिटी पर ही था कि वहां पर आके जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया ठीक है इंजीनियरिंग हो गया मैथमेटिक हो गया किसी भी स्ट्रीम में आके अपनी मतलब यूनिवर्सिटी सेटअप करेंगी

जो पिछले साल अप्रूवल मिल चुकी थी तो डैकिंग यूनिवर्सिटी की बात करें जिसमें इंडियन और फॉरन स्टूडेंट इसमें स्टडी कर सकते हैं ठीक है किसी भी फील्ड में स्टडी कर सकते हैं अब आई की बात करते हैं आई की बात करें जो ऑलरेडी हमने देखी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है इनकी बात करें तो ये कब शुरू हुई थी तो 2020 में ये स्टैब्लिश की गई थी जब ये 2020 में स्टैब्लिश की गई थी तो एक प्रॉपर एक मतलब अथॉरिटी बिल था 2019 का जिसके तहत इसको establish किया गया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बिल 2019 के तहत इसको क्या किया गया था अस्टैब्लिश किया गया था इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहा है हमारा गुजरात में गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में ठीक है वहां पर इसका क्या है हेडक्वार्टर है ठीक है प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको याद होगा कि जब हमने इंडिया और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फ्रेमवर्क पढ़ा था तो उसमें भी यही चीज का यूज किया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक है कि के दोनों के बीच, में, बीच में काम करने में आसानी हो जाएगी वेयर विल डैकिंग यूनिवर्सिटी the फर्स्ट foreign यूनिवर्सिटी टू गेट अप्रूवल फ्रॉम IFSCA to set up recently, टू सेटअप रिसेंटली तो हमारे पास क्या आ जाएगा कहां पर गांधीनगर में चलिए डी गुकेश ऑनर्ड विद प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय एशियन चेस फेडरेशन अब एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा एक अवार्ड दिए गए हैं अलग अलग पर्सन को जिसमें अगर बात करें डी गुकेश की तो डी गुकेश को भी एक अवार्ड मिला है कौन सा अवार्ड मिला है उसको प्लेयर ऑफ द ईयर वो कौन सा अवार्ड मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है डी गुकेश को किसके द्वारा दिया गया तो एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा दिया गया अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ तो और सिर्फ इनको ही अवॉर्ड मिला है अब डी कुकेश की बात करें डी गुकेश क्या है ग्रैंड मास्टर है अगर देखा जाए इनका तो कौन से ग्रैंड मास्टर फिफ्टी नाइन्थ ग्रैंड मास्टर है। कौन से ये इंडिया की बात करें तो इंडिया के फिफ्टी नाइन्थ ग्रैंड मास्टर हैं ठीक है थीके? अब इनको छोड़कर अगर इंडिया के इस पर्सन को छोड़ दें तो एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा किसी और पर्सन को भी एक अवार्ड दिया था वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन नहीं है या सिर्फ और सिर्फ प्लेयर नहीं है वो क्या है चीफ मिनिस्टर है वो क्या है चीफ मिनिस्टर तो मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं की मैं किसकी बात कर रहा हूं जो तमिलनाडु के सीएम है Staling, उनको भी अवार्ड दिया गया है उनको कौन सा अवार्ड मिला है मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है कौन सा मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है क्यों मिला क्योंकि उन्होंने क्या किया था जो फोर्टी फोर्थ फाइट चेस ओल्पिक थी वो उन्होंने कंडक्ट करवाई थी वहां पर पिछले साल अगस्त में जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया ठीक है जो इस बार हुआ है फिफ्थ एनुअल ये एशियन चेस फेडरेशन एक्सीलेंस अवार्ड है जो दिए जाते हैं किनको उनको दिए जाते हैं जिन्होंने मतलब बहुत खतरनाक अचीवमेंट की होती है लाइफ में ठीक है जैसे डी गुकेश की बात करें उनको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ठीक है फोर गोल्ड मेडल उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कहां पर फोर्टी फोर चेस ओलंपियाड इन जो कहां पर हुई थी महाबलीपुरम में हुई थी अगेन किसकी बात करें तमिलनाडु की बात करें, करें जहां पर हुई थी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ये स्कोर किया था इतनी डिटेल में जानी फिफ्टी नाइन्थ जो देखो गुकेश की बात करें तो वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर में आ जाते हैं फिफ्टी नाइन्थ में आ जाते हैं इंडिया के जिनके स्कोर की बात करें ये ई एल ओ रेटिंग में होती है ई एल ओ जो रेटिंग होती है ये चेस में होती है जिसमें रेटिंग में डिसाइड किया जाता है कौन सा रैंक आता है ये वो वाली रेटिंग है और बाकी भी कुछ अवार्ड दिए गए हैं मोस्ट एक, एक्टिव एक्टिव फेडरेशन वुमेन टीम ऑफ द ईयर अगर वुमेन टीम ऑफ द ईयर देखेंगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इंडियन वुमेन भी है यहां पर हम्पी चेस की बात करें तो चेस में वुमेन्स में हम्पी का नाम ना आए तो ये कुछ, कुछ, कुछ हो ही नहीं सकता ठीक है हरिका वैशाली तानिया एंड भक्ति तो ये वुमेन टीम थी जिनको ये अवार्ड दिया गया था कोच ऑफ द ईयर इतना जरूरी नहीं है यंगेस्ट हमारे लिए देख सकते हैं तो हमारे पास है इलम पार्थी ए आर इज द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चेस फेडरेशन की बात करें किसकी एशियन चेस फेडरेशन की बात करें तो इनके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो क्या है यू ए ई में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन की बात करें तो वो हमारे पास क्या आएंगे सुल्तान बिन खलीफा अल नाहन क्या है इसके जो हमारे चेयरमैन हैं अच्छा अब ये कुछ लिस्ट है पिछले साल की और इस साल की अब ये लिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी 2022 और 2023 में जो अभी तक ग्रैंड मास्टर बने हैं जो रीसेंट पीछे ग्रैंड मास्टर बना है वो वो कौन से नंबर पे ग्रैंड मास्टर थे एटी ग्रैंड मास्टर थे कौन से 81 ग्रैंड मास्टर की लिस्ट में आए हैं तो मैं कौन से पर्सन की बात कर रहा हूं उनका नाम क्या है सत्यम दास क्या है सॉरी सैंतन दास सैंतन दास सॉरी सैंतन दास, स्यांतन दास।, स्यांतन दास एटी वर्स्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन से ईयर में दो में लेकिन क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है 2022 और 2023 के कंबाइन करने के बाद टोटल अभी तक कितने बने हैं तो 22 में तीन बने हैं 23 में तीन बने ठीक है बाईस में तीन ग्रैंड मास्टर बने हैं तेईस में तीन ग्रैंड मास्टर बने हैं तो मैक्सिमम फोकस हमारा क्या होगा दो हजार तेईस का ही होगा दो हजार तेईस में अभी तक कितने ग्रैंड मास्टर नियुक्त हो चुके हैं तीन ग्रैंड मास्टर नियुक्त हो चुके हैं सबसे पहले कौन से थे 79 फर, आ, आ, पर पर नाम कौस्तव चैटर्जी हमारे पास विघ्नेश एन आर ठीक है एटी फर्स्ट पर हमने देख चुके हैं ऑलरेडी ओके ठीक है तो ये लिस्ट में गो थ्रू हो जाना अच्छे से रिसेंटली प्लेयर ऑफ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा डी गुकेश इज प्लेयर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1300 ईयर ओल्ड बुडिस इन उड़ीसा उड़ीसा में 1300 सौ तेरह साल पुरानी थर्टीन हंड्रेड ओल्ड क्या मिली है हमें एक ए के द्वारा डिस्कवरी की गई है अब देखो फर्दर न्यूज में थोड़ा देखो हम एस आई के द्वारा क्या की गई है डिस्कवरी किया जिसको जिसमें उन्हें थर्टीन हंड्रेड ईयर ओल्ड स्तूपा मिला है कहां पर मिला है तो इसकी बात करें उड़ीसा में मिला है उड़ीसा में कौन सी जगह तो हमारे पास आ जाएगी जजपुर कहां पर जजपुर डिस्ट्रिक्ट में ठीक है जजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो क्या है एक माइनिंग साइट है क्या है माइनिंग साइट है कौन सी जगह है जगह का एग्जैक्टली exactly नाम देखो हमारे पास क्या आएगा खोंदालाइट खोन दाइट एग्जैक्टली जगह का नाम है ठीक है अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे जजपुर अगर स्टेट पूछे तो उड़ीसा ठीक है अब ये वही जगह है थोड़ा ध्यान से देखना ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अब ये वही लोकेशन है ये वही जगह है जहां से जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है उसके लिए ट्वेल्थ सेंचुरी में जो स्टोन गए थे ना वो इसी जगह से गए थे बारहवी सदी का जो श्री जगन्नाथ टेम्पल था कहां पर पुरी में उसके लिए जो यहां से स्टोन गए थे वो इसी जगह से स्टोन गए थे यहां पर ठीक है स्तूपा की बात करें तो कितना है चार पॉइंट पांच मीटर क्या है हाइट है अगर टाइम की बात करें तो कब तक जाता है सेवन और एट सेंचुरी के बीच बीच में इसको बताया जाता था कि इतना पुराना ये डेट बैक करता है ठीक है कहां पर मिला है तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रभादी में ये मिला है जो किसके पास है ललित गिरी में पास है इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है लेकिन ये पॉइंट हमारे लिए इंपोर्टेंट हम है जो क्या थी मेजर बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स रहा था अभी तक का जिसमें सबसे ज्यादा और मोनेस्ट्रीज मिली हैं कहां पर किसकी बात कर रहा हूं ललित गिरी की बात कर रहा हूं ठीक है ललित गिरी जो बड़ा नाम है हमारे लिए ओके ललित गिरी बुद्धिस्ट साइट इज कंसिडर्ड द होलियस्ट ऑफ द थ्री साइट कौन कौन सी तीन साइट की बात करूं रहा ललित गिरी रतनगिरी ते उदयगिरी ठीक है ये तीन की मैं बात कर रहा हूं उनमें से सबसे बड़ी कौन सी है हमारे पास ललित गिरी है जो सबसे होलियस्ट मानी जाती है ठीक है फर्दर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लॉन्च किए गए थे कुछ ऐसे अंबिशन लॉन्च किए गए थे जिसका जिसमें हमारे पास क्या दिगा? अबादा अबादा की बात करें ये कुछ ऐसी जिसका मेन काम, मतलब इन, तो कौ, का, काम आ जाता है, है ये किसके द्वारा नियुक्त किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये कुछ ऐसे प्लान है जो स्टार्ट किए गए हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर आपदा स्कीम ओवर थ्री टर्न वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या करना चाहते हैं पूरी को वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं ठीक है अब देखो खोंदी लाइट की बात बात करें करें ये वही जगह जहां पर हमें मिला है मतलब इसकी उड़ीसा की बात करें मतलब जजपुर की बात करें वहां के जो स्टोन है वो कहां कहां तक अब तक यूज हुए पे हैं हम एशियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टेंपल कॉम्प्लेक्सेस जैसे हमारे पास हेरिटेज प्रोटेक्शन जोन्स आगे जगन्नाथ भल्ला प्रिविलेज सेंटर आ गया ठीक है प्रपोज्ड टू बी यूज एक्सेंटिटेन मेंटेन मेंटेन एंड अस्थेटिक्स मतलब जो मोस्टली यहाँ से चीजें हुई हैं तो वो यहाँ से यूज की गई थी जजपुर में जो स्तूपा मिला था वहां से यूज किया गया था अब स्तूपा की बात करें पूरा बताया कहाँ कहाँ पर मध्य प्रदेश में मिल रहा है ठीक है राजस्थान में है उत्तर प्रदेश में है वो सारे के सारे यहां पर लिखे हुए हैं तो एक बार ये पढ़ लेना आप लोग वेयर हैज 1300 ईयर ओल्ड बुद्धा स्तूप हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड किसके द्वारा एएसआई के द्वारा तो हमारे पास क्या आ जाएगा उड़ीसा में उड़ीसा में कौन सी जगह तो हमारे पास क्या आ जाएगा जजपुरा का डिस्ट्रिक्ट भी पूछी हो तो फर्स्ट बोदोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल बिगिंस इन कहां पर कोकराझार असम तो कोकराझार में सबसे पहले बोडोलैंड, जो क्या है एक ऐसा इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल है जिसको क्या दो मार्च तक ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका था ठीक है तो सबसे पहला बोधोलैंड इंटरनेशनल फेस्टिवल नॉलेज फेस्टिवल की बात करें जो ऑर्गेनाइज करवाया गया किसके द्वारा बोदोलैंड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था किसके द्वारा बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया था जिसको सपोर्ट मिली थी किसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट मिली थी गवर्नमेंट भी कौन सी गवर्नमेंट ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन ठीक है बीटीआर उनके द्वारा इनको सपोर्ट मिली थी ठीक है जो ये हेल्ड करवाया गया था बिगन करवाया मतलब शुरू का मतलब जहां करवाया गया था किसकी बात करूँ आसाम की बात करूँ आसाम की कौन सी डिस्ट्रिक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में इसको करवाया गया था इसकी बात करें यहां पर तीन सौ से ज्यादा इंडियन यहां पर मौजूद थे अगर इंडियन डेलीगेट की बात करें तो थर्टी से ज्यादा इंडियन डेलीगेट थे अगर हम फॉरनर की बात करें तो चौदह डिफरेंट कंट्री से ठीक है 14 से पंद्रह अलग अलग कंट्री अलगेंट डेलीगेट थे, 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 का तो था? था, थे लेकर आए थे तो इसमें पूरी के पूरे बात करें जो ये हमारे पास फेस्टिवल हुआ है, तो उसमें जो सबसे बड़ी जो वो कहते ना आई कैंडी जो सबसे मतलब फेमस पर्सन थे जो मतलब रहे तो वो कौन थे नोबल रिटेर्ड प्रोफेसर किसकी बात कर रहा हूं मोहम्मद की बात कर रहा हूं, कहां की बांग्लादेश की उनके द्वारा भी इसको अटेंड किया गया था तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरी की पूरी न्यूज का सबसे ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है तो चार दिनों का ये क्या था पूरा का पूरा है जिसका के से, से, ठीक है? उसके साथ रिलेशन बिल्ड कर सके जिससे क्या हो? जो हमारे है, उस पर हम काम कर सके उनको हम मतलब सॉल्व कर सके पार्टनरशिप के द्वारा ठीक है एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी जितनी भी सोशल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है इस रीजन में उनको हम क्या कर सके सॉल्व कर दे एक्सचेंज हो जाए सलूशन ढूंढ लो ठीक है शेयरिंग एंड पार्टनरशिप तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी ठीक है 2020 की बात है पीछे जाने की जरूरत नहीं है वेयर हैद द फर्स्ट बॉर्डरलाइन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली तो कहां पर हुआ था असम में हुआ था चलिए जी दैट्स ऑल फॉर टुडे आज के लिए इतना बहुत है ठीक है तो आई थिंक कल भी हम क्या करेंगे पी पर फोकस करेंगे कुछ हमारे पी आई बी वाली चीज़ें वो कवर कर लेंगे उसके बाद फिर हम डेली डे दे बाय डे फिर हमारा हम क्या आ जाएगा ट्रैक पर आ जाएगा ठीक है डेली uh, जो करंट अफेयर है वो और पी आई बी दोनों चीज़ें ट्रैक पर चलती रहेंगी साइड बाय साइड चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे टेक केयर बाय वी एंड जय हिंद